एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस थैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जोडियाक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। बट टॉरस याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, डू नॉट फोर्स इट। एंड ये रीडिंग है आपका जून 1 से लेके जून 15, 2021 के लिए। सो लेट अस सी टॉरस हम लोग क्या जान सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट अस सी टॉरस इज इन लव, टॉरस इन लव स्पिरिट। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द थ्री ऑफ वॉन्ड्स हियर, टॉरस इन लव, Knight of Pentacles, Queen of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Cups, and the Fool energy. Beautiful. Taurus, आई सी आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वो है अबंडेंस, दैट इज़ हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड ग्रोथ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आई नो दिस इज़ अ लव रीडिंग बट आई एम जस्ट सेइंग जो भी मैसेजेस आर कमिंग थ्रू, ठीक है। कुछ लोग सही में फिनेंशियली अबंडेंट हो रहे हो यहाँ पे, बट एनी वेज दिस कैन ऑल्सो बी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, स्पेशली जो लोग सिंगल हो, स्पेशली जो लोग वेट कर रहे थे एक पार्टनर का, या फिर एक स्पेसिफिक मे बी आप शादी का वेट कर रहे थे, आपको मन था कि आप शादी करना चाहते हैं, या आप किसी से एंगेजमेंट का वेट कर रहे हो, या आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड आपको वेट है कि कब कोई स्पेशल वन आपके लाइफ में आएगा या आएगी, एंड कब आप रिलेशनशिप में जाओगे या व्हाटसो एवर। आई सी दैट इज़ हैपनिंग यहाँ पे केप्रिकॉन, ठीक है। सो जो लोग सिंगल थे, जो लोग अकेले थे, या जिन लोगों का कुछ वेट था, ठीक है, किसी से मिलने का, किसी के साथ होने का, वो हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए आई सी अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, अ न्यू साइकिल, समथिंग न्यू इज़ कमिंग योर वे। टॉरस, आप मूव कर रहे हो इस न्यू डायरेक्शन में, न्यू साइकिल में, जहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस, एक बहुत ही स्टेबल एक्सपीरियंस वेट कर रहा है। आई थिंक अगर आप कोई नया रिलेशनशिप में रिसेंटली एंटर किए हो, या फिर अगर आप फ्यूचर में करने वाले हो, आई एम सीइंग ये जो रिलेशनशिप होगा टॉरस, ये आपके पिछले वाले रिलेशनशिप से बहुत ही अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा, एंड आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, पॉजिटिविटी ऑब्वियसली, एंड ये आपके लिए एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होगा। सो अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था, बहुत ही डिस्टर्बिंग था, या टॉक्सिक था, आई कैन से टॉरस दैट ये जो नया रिलेशनशिप है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये रिलेशनशिप आपके पास्ट जैसा ट्रॉमेटाइजिंग नहीं होगा, दिस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, नाउ आई कैन ऑल्सो सी दैट कुछ लोग यहाँ पे अपना वैल्यू को समझ रहे हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मे बी आप को डिपेंडेंट थे, मे बी आप किसी के लिए वेट कर रहे थे, किसी पास्ट पर्सन के लिए, किसी करंट पर्सन के लिए आपका आपको वेट था कि कब ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, कब ये पर्सन समझेंगे आपके वैल्यू को, कब ये पर्सन आपको अटेंशन देंगे, या जो भी। बट आई सी हियर टॉरस दैट आप फाइनली ये समझ रहे हो कि आप खुद कितने वैल्यूएबल हो, एंड आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आके आपको ये समझाए, कोई और आके आपको कंफर्मेशन दे कि हाँ वैल्यूएबल हो, हाँ आप ब्यूटीफुल हो, या हाँ आप में ये टैलेंट है, या वॉट एवर दैट इज़, ओके, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो ओवरऑल टॉरस, मुझे आपकी साइड से जो एनर्जी मिल रही है दैट इज़ फाइनली ये वेट जो है आपका ये ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों का ये वेट था किसी पर्सन का,
किसी नए रिलेशनशिप का, किसी मैरिज का, आई कैन सी वो वेट आपका ख़त्म होने वाला है. यू आर मूविंग, ठीक है, ये आप अभी मूवमेंट को एक्सपीरियंस करोगे अपने लव सिचुएशन में. देर विल बी मूवमेंट इन योर लव सिचुएशन. कुछ लोगों के लिए ये मूवमेंट बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बाकियों के लिए ये बहुत ही रैपिड मूवमेंट होगा, बट मूवमेंट ज़रूर होना है यहाँ पे. एंड जो लोग बेसिकली बाहर आना चाहते हो किसी रिलेशनशिप से, या आप एकदम से एक नया पर्सन, नया एनर्जी का वेट कर रहे हो लाइफ में, आई कैन सी दैट ये हो सकता है, ये बहुत ही जल्द होने वाला है. एंड जो लोग ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, आई कैन सी दैट अगर आप पास्ट में कोडिपेंडेंट थे, अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इस पर्सन पे, आपको लगता था या अभी भी शायद लगता है कि इस पर्सन पे आपका सारा हैप्पीनेस, सैडनेस, आपका मूड सब कुछ डिपेंड करता है, आई कैन सी दैट आप फाइनली उस एनर्जी से बाहर आके आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो रहे हो. आप इस पर्सन के अलावा भी खुश रहने लगे हो, आप ये समझ रहे हो कि आप वैल्यूएबल हो, आप प्राइसलेस हो, एंड आप लाइफ में बहुत आगे भी जा सकते हो, आप खुश रह सकते हो, आपको किसी पे इमोशनली डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन नहीं आएंगे या क्या है, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं बस आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी कि आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है. टॉरस पर्सन, टॉरस इज डीलिंग विद स्कॉर्पियो. आई एम गेटिंग स्कॉर्पियो एनर्जी. सो कोई किसी के चार्ट में यहाँ पे स्कॉर्पियो है, या आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, इट माइट बी ओके. और वर्गो, आई हैव द हर्मिट कार्ड. या आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे थे इस पर्सन का कि ये पर्सन कब कुछ बोलेंगे, ये पर्सन कभी ओपन अप करेंगे, या कब आपको स्टेबिलिटी देंगे, कब डिसीशंस लेंगे. सो आप बेसिकली किसी और का वेट कर रहे थे, किसी और के डिसीशन का, किसी और के कुछ कहने करने का, यू नो. मैजिशियन, मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ. टॉरस, सेवन ऑफ कप्स, ओके. सो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से आपकी पर्सन, आई अंडरस्टैंड टॉरस कि आपको क्यों इतना वेट है, आपको क्यों इतना लाइक आप क्यों बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, आप क्यों बार बार एंशियस हो या खुद से सवाल कर रहे हो. इट इज़ बिकॉज यू आर नॉट श्योर, ठीक है, आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, ओके. And also for some of you, I can see that इस person की जो overall energy है, that is, ये person kind of आपको manifest कर रहे हैं, but ये खुद ही अपने manifestation को तोड़ रहे हैं. You know how with this moon energy. I can see this person is ready, ठीक है. I think ये person अपना सोचने का काम कर लिए है, ये बहुत time से चुप थे या out of contact थे, and उन्होंने basically अपने सोचने का काम ये कर चुके हैं, इनको जो decision लेना था ये ले चुके हैं. एंड आई थिंक इस पर्सन ने आपको चूज़ किया है, या फिर एटलीस्ट ये पर्सन इतना रियलाइज़ करते हैं टॉरस दैट आप इस पर्सन के लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, या आप इस पर्सन को जितना स्टेबिलिटी दे सकते हो उतना इनको कहीं और जाके नहीं मिल सकता, किसी और मैरिज में, किसी और रिलेशनशिप में. कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन मैरिड है, मे बी ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में है, कुछ ही लोगों के लिए. सो स्पेशली उन लोगों के लिए, इस पर्सन को ये समझ है कि ये आपके साथ जितना कंफर्टेबल होते हैं, या आप इनका जितना केयर करते थे पास्ट में, या मे बी करते हो आज भी, वो उनको कहीं और जाके नहीं मिल सकता. सो ये काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को अपने लाइफ में. ये काइंड ऑफ हमेशा सोचते हैं, हमेशा इस रिलेशनशिप के एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं. मे बी इसी वजह से आप अभी भी इस पर्सन से एक रिश्ता फील कर पाते हो. देर इज़ दिस बॉन्ड, एनर्जेटिक बॉन्ड जो आप दोनों में अभी भी है. बट द प्रॉब्लम इज़ ये मैनिफेस्टेशन इनका इसलिए पूरा नहीं होता है टॉरस, बिकॉज ऑफ द मून. बिकॉज ये मैनिफेस्ट तो करते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, या मुझे ये रिलेशनशिप वापस चाहिए, या ये फीलिंग्स जो है मुझे ये फीलिंग्स को लाइक एक्सपीरियंस करना है फिर से. बट विद दिस मून एनर्जी आई कैन अंडरस्टैंड टॉरस दैट ये पर्सन जैसे ही वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने लगता है, या ऑलमोस्ट पूरा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आता है, ये उस सिचुएशन को डाउट करने लगते हैं, ये इंस्टेंटली सवाल करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूशन. बिकॉज ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को, कि क्या इस सिचुएशन में एक लीप ऑफ फेथ लेना
अच्छा होगा या नहीं, क्या इस सिचुएशन को आगे बढ़ा के लेके जाना ठीक होगा या नहीं, क्या मैंने जो डिसाइड किया है क्या वो डिसीशन सही है या नहीं। सो आई थिंक आपके पर्सन आपके साथ चाहते तो स्टेबिलिटी है, बट उनका जो ओवरऑल एनर्जी है, दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनका जो ओवरऑल एनर्जी है आई फील वो बहुत ही इमेच्योर है, या वो बहुत ही ज़्यादा अनडिसाइसिव है इस सिचुएशन में। वो चाहते हैं बट रियलिटी में जो एफर्ट लगता है एक रिलेशनशिप को चलाने में, जो हिम्मत लगता है कि मैं कबूल करूँ कि हाँ ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, मुझे इस पर्सन के लिए फ़ाइट करना है, वो इस पर्सन में अभी तक नहीं आया है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट उनका जो ओवरऑल एनर्जी है थोड़ा सा इमेच्योर है। सो उनका इंटेंशन में भी सही है, बट उनका प्लान ऑफ एक्शन या उनका मूवमेंट या उनका सोचने का तरीका गलत है, सोचने का तरीका सही नहीं है। सो ये अभी भी थोड़े से डरे हुए हैं या थोड़े से कंफ्यूज्ड है, ये श्योर नहीं है कि इस सिचुएशन को आगे लेके जाना सही होगा या गलत होगा, या क्या उनको ये करना चाहिए, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं या नहीं। फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग डिवोर्स, सो मे बी इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आपका डिवोर्स हो चुका है, ये आपके पास्ट कोई हस्बैंड या वाइफ है, या फिर आप इस पर्सन को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हो मे बी, अगर ये आपके प्रेजेंट पार्टनर है लाइक हस्बैंड या वाइफ है। आई एम हियरिंग दैट ये पर्सन नहीं चाहते हैं आप इनको डिवोर्स दे अगर ये आपका सिचुएशन है, बट एट द सेम टाइम ये श्योर नहीं है कि अगर ये लाइक आप इनको डिवोर्स ना दिए तो ये सिचुएशन फ्यूचर में बेटर हो सकता है। वो होप इनको नहीं दिख रहा है, वो प्रॉमिस वो आपको इस वक्त नहीं कर सकते, बट मन ही मन आई थिंक वो नहीं चाहते हैं ये डिवोर्स हो। एंड अगर ये रिलेशनशिप है, ये बस चाहते हैं ये वापस इस रिलेशनशिप को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से आपको लाइक वो सारे एक्सपीरियंसेस को रिलिव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जैसे ही इनका मैनिफेस्टेशन पूरा होने लगता है, जैसे ही आप दोनों में एनर्जेटिक बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, चाहे वो दूर से हो या पास आने से हो, आई थिंक ये पर्सन इंस्टेंटली डाउट करने लगते हैं। ये अगर प्यार करते भी है, ये उस प्यार को डाउट करते रहते हैं कि क्या ये सच में है, क्या ये होना सही है, क्या ये फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड जब हम लोग किसी मैनिफेस्टेशन को डाउट करते हैं या किसी फीलिंग पे कंटिन्यूअसली सवाल उठाते हैं, सो वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव एनर्जी में बदल जाता है, वो ऑब्वियसली यूनिवर्स उसको एक नेगेटिव सेंस में लेता है, यू नो इट्स लाइक अ नो टू द यूनिवर्स। सो दैट इज़ ब्लॉकिंग योर कनेक्शन बेसिकली टॉरस, ठीक है। सो एनीवेज अगर मैं यहाँ पे ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है वर्गो, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसीज, एरीज, ओके, या दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। सो एनी वेज लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके करियर या फाइनेंसिस में हम लोग क्या देख सकते हैं। एंड लेट्स मूव ऑन, टॉरस आपका करियर एंड फाइनेंसिस, okay, we have the seven of wands, five of swords, okay, I'm hearing resistance, ace of swords, आपको कहीं से एक मैसेज मिला है या बहुत जल्दी मिलने वाला है, बट आई थिंक आपके अंदर से एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है उस मैसेज के अगेंस्ट। आप उस मैसेज को या तो बहुत ही कैजुअली ले रहे हो या आप बेकार में ओवरथिंक कर रहे हो, बट स्पिरिट इज सेइंग जिन लोगों का ये सिचुएशन है, प्लीज़ आप इस वक्त टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज वो अगर कोई अपॉर्चुनिटी है या ऐसा कुछ है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सो अगर वाओ वेट, ओके, सो आप द टेन ऑफ वांड्स जो गिर गया था, ओके, सो अगर कोई ऐसा मैसेज है, अगर कोई ऐसा मे बी लेटर, आई एम सीइंग अ लेटर एनवेलप, ये हो सकता है कोई एडमिशन लेटर है स्कूल कॉलेजेस का या यूनिवर्सिटी का, हो सकता है कोई जॉब ऑफर लेटर है, सो कोई लेटर या पोस्ट में जो आया है ऐसा कोई चिट्ठी हो, कागज़ हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, ऑफर हो,
कुछ लोगों के पास आने वाला है या आया है रिसेंटली, एंड मे बी आप बहुत टाइम निकाल रहे हो ये डिसाइड करने में कि क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या आपको साइन करना चाहिए, क्या आपको लेना चाहिए वो ऑफ़र या नहीं. आप बहुत टाइम ले रहे हो सोचने में. मे बी आप वेट कर रहे हो कि मैं इससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ, सजेशन ले लूँ, एडवाइस ले लूँ. स्पिरिट इज़ सेइंग आपको, आपका जो भी ये डिसीजन है, हाँ हो ना हो, आपको जल्दी लेना पड़ेगा. ठीक है, आप टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज़ ये ऑफ़र हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगा. या दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी जो आया है एंड यू हैव टू डिसाइड. सो देर इज़ अ डिसीशन जिसको लेने के लिए स्पिरिट इज़ फोर्सिंग यू. यू हैव टू डिसाइड, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. सम ऑफ़ यू आप खुद से क्यों नहीं पूछ रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम स्पिरिट. आप खुद से क्यों नहीं पूछ रहे हो. आई डोंट नो आप किसको क्या पूछ रहे हो, या आप कुछ कंफर्म कर रहे हो, आप कुछ कॉन्फर्मेशन चाह रहे हो किसी से. मे बी आप किसी प्रोफेशनल को दिखा रहे हो, जैसे मानो लॉयर, काउंसलर, टीचर, आई डोंट नो मेंटर. आप किसी को, कोई यहाँ पे पूजा कर रहा है. ओके, आई एम गेटिंग दिस इमेज ऑफ अ प्रीस्ट. ठीक है, फादर, चर्च में जो फादर्स होते हैं, दैट इज़ द इमेज आई एम गेटिंग. आई एम ऑल्सो सीइंग रेड फ्लावर्स. सो जो हम लोग पूजा में देते हैं वैसे रेड कलर के फ्लावर्स. आई डोंट नो आप मे भी मन्नत मांग रहे हो, आप मे भी बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में जा रहे हो. यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग. कोई कुछ लोग, हर कोई नहीं. अगर आप ऐसा कर रहे हो, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट यूनिवर्स आपके साथ है, बट आपको हिम्मत करके कुछ करना चाहिए. आपको एक डिसीशन लेना है, आपको एक रास्ता चूज़ करना है. यूनिवर्स आपके लिए चूज़ करके नहीं दे सकता है, चॉइस आपको करना है. यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ओके, कुछ लोग सडनली एक ऐसे पर्सन से मिलोगे या मिले हो रिसेंटली जो आपको हेल्प कर सके आपके करियर या फाइनेंसेस के मामले में. मे बी आप खुद ही डिसीशंस ले रहे थे एंड सडनली आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको दिख गया, कोई पुराना टीचर मानो आपको सड़क पे मिल गया एंड आप उनसे बात किए एंड जाने अनजाने में उन्होंने आपका कोई हेल्प कर दिया, या फिर वो आपको ये बताए कि हाँ उनके पास रिसोर्सेज है, सोर्सेज है जिससे वो आपका हेल्प कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. एंड ऑल्सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो कि आप किसी और पे डिपेंड ना करें. अगर आपको कहीं से हेल्प मिल गया बहुत अच्छा बात है, नहीं भी मिला डू नॉट डिपेंड ऑन समबडी एल्स कि वेट करके देखते हैं कि मदद मिल जाए किसी से, या पूजा करके देखते हैं भगवान मदद कर दे या कुछ. तो अगर आप वो कर रहे हो, स्पिरिट इज सेइंग दैट आपका आपके जो भी गॉड है वो आपके साथ है, बट वो डिसीशन आपको लेना है. टॉरस, द डिसीशन नीड्स टू बी फ्रॉम यू. आपका होके कोई डिसीशन नहीं ले सकता, ठीक है, बिकॉज ये आपका जर्नी है. यू हैव टू डिसाइड. ये डिसीशन कुछ लोगों के लिए करियर में है, कुछ लोगों के लिए आई एम सीइंग दिस इज़ अबाउट कि आपको फॉरेन जाना है या नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ पे आपके बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिस कारण से आप फॉरेन नहीं जा पा रहे हो, सम ऑफ यू. वाओ, दिस इज़ लाइक अ लॉट ऑफ चैनलिंग. आई डोंट नो, ये मैसेजेस बहुत ही स्पेसिफिक है, सो शायद ये हर किसी को रेजोनेट ना भी करे. सो या एनीवेज, अगर ये आपके रेजोनेट नहीं कर रहा है, जनरल मैसेज यही होगा टॉरस, दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. अगर आप कंट्रोल खो चुके हो देन आप गलत कर रहे हो. अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई आके आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील थमा देगा तो आप गलत हो. यू हैव टू टेक बैक योर कंट्रोल. डिसिप्लिन लाओ, रूटीन लाओ, हैव अ प्लान ऑफ एक्शन. आप जब प्लान करते हो, आप जब एक डिसिप्लिन वे में पूरा चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो, आपका लाइफ भी ईजी हो जाता है, आपका कन्फ्यूशन भी दूर हो जाता है एंड आपको जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्मूथली आप वो प्रोग्रेस की सीढ़ी चढ़ पाओगे लाइफ में. दैट इज़ वॉट आई कैन से टू यू. बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत मेस्ड अप सिचुएशन में हो. आई एम सीइंग समबडी हु इज़ वेयरिंग अ ब्लैक कलर्ड ग्लास. आप एक
ब्लैक फ्रेम का चश्मा पहने हो एंड यू आर वर्किंग, आपके टेबल में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है इधर उधर सब, यू नो इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, सही से रखा हुआ नहीं है, मे बी आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हो, सम ऑफ यू इट्स अ पासपोर्ट, ओके? सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू बी मोर डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज इफ दैट रेजोनेट्स विथ यू. एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स. जनरल मैसेजेस, ओके, जनरल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई टॉरसेस. जनरल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई टॉरसेस हियर. ओके, नंबर 20 हाउस. नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है. नंबर 6 मैच्योर वुमन टॉरस. नंबर 34 ऑक्यूपेशन. ओके, यहाँ पे दो हैं, हम लोग दो ही लेंगे. सॉरी, वी हैव कॉफिन नंबर 19 और नंबर 25 हाई ओनर. Number 19, I just got the energy of the death card. Now, death card talks about rebirth. Kuch khatam hua hai, to kuch shuru hoga. That is what I'm hearing. Ab ye ho sakta hai relationship, friendship, job, health, relative, friend, anything, theek hai? Ye general messages hai. So, jis bhi area mein, life mein aapko ye resonate kare, please take that. Now, first of all, I see a rebirth situation. This can be also friendship. I'm hearing ki koi, I'm getting a lot of church vibes. I don't know kitne log church jaate ho yahan pe, ya aap Christian ho ya, I don't know. I'm seeing a lot of church. So maybe aapko church jana chahiye. Kuch log church mein jaate the ya prayer karte the and aap recently prayer karna chhod chuke ho. So your guides wants you to pray more. हो सकता है इस पैंडमिक के लिए आपको घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है. अगर वो है देन जस्ट प्रे, घर पे बैठ के भी आप प्रे कर सकते हो. नॉट नेसेसरी कि आप यू हैव टू बी अ क्रिश्चियन और समथिंग, आप जो भी रिलीजन के हो, यू कैन प्रे, यू कैन ऑलवेज प्रे. ओके, सो सम ऑफ यू नीड्स टू डू दैट. व्हाट एल्स आई एम गेटिंग, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड समवेयर. कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिट इज सेइंग आप अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जर्नी के लिए रेडी हो. अगर आप खुद पे बिलीव करो तो आप उस जर्नी को रेजिस्ट कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है आप रेडी नहीं हो. आपको लगता है आप इमोशनली वीक हो या फिर आप इमोशनली अभी भी रेडी नहीं हो. आपको अभी भी टाइम चाहिए, बट स्पिरिट इज सेइंग दैट आपको टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड आप इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते. आपको उस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हो अपने लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एंड ऑब्वियसली आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग, नया काम, बहुत कुछ नया हो सकता है. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिलेशनशिप, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. ओके, मे बी दिस इज़ अबाउट अ न्यू प्रॉपर्टी. आप एक नया प्रॉपर्टी या घर लेना चाहते हो, वो भी हो सकता है. और हो सकता है दिस इज़ अबाउट योर फैमिली मेम्बर. आई ऑल्सो सी आप किसी फैमिली मेम्बर से क्लोज हो. कुछ लोग यहाँ पे मे बी अ फीमेल मेम्बर, लाइक किसी के मदर और आंट, सिस्टर, मदर इन लॉ, कोई फीमेल फैमिली मेम्बर है जो आपसे एज में बड़े हो, या आपके लाइक बड़ी दीदी भी हो सकती है. आई डोंट नो एनीबडी, इट कैन बी एनीबडी, बट स्पिरिट इज सेइंग अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रही है, उस एडवाइस को ले लो. उस एडवाइस को एटलीस्ट उस एडवाइस के बारे में एक बार सोचो, सोच के देखो, बिकॉज आपको लग सकता है कि नहीं, उनको क्या पता है, वो तो ऐसे ही बोल रही हैं, ऐसा नहीं है, वो मे बी अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हैं. सो जस्ट सोचो उसके बारे में एक बार. ओके,
सम ऑफ़ यू आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सम ऑफ़ यू आप मे बी रिसेंटली किसी जगह पे फेलियर देख रहे हो लाइफ में, मे बी हेल्थ में, मे बी इमोशनल सिचुएशन में, या तो करियर में, फाइनेंसेस में, इन्वेस्टमेंट. आई एम हियरिंग लाइफ इंश्योरेंस, आई डोंट नो व्हाई. अगर आपने फेलियर देखा है, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू वर्क हार्ड अगेन, ठीक है, डोंट गिव अप. और भी ज़्यादा हार्ड वर्क ज़रूरी है आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आपको वो करने के लिए, ठीक है. आई एम सीइंग अ गार्डन. उस गार्डन में वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, या कोई यहाँ पे गार्डनिंग करते हो आप. स्पिरिट इज सेइंग दैट इज़ नाइस. आप नेचर के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, यू विल हील योर सेल्फ मोर. आई एम सीइंग समवन वाटरिंग अ वाइट फ्लावर. या तो आपके घर में कोई वाइट कलर का फ्लावर है जिसे आप पानी देते हो, या आपके गार्डन में ऐसा फ्लावर है जिसे आप पानी देते हो रेगुलरली, ठीक है. ओके, ब्रिटेन, आई एम हियरिंग ब्रिटेन. कुछ लोग आप मे बी यूके में रहते हो, या आई डोंट नो, आप किसी को जानते हो वहाँ पे, आपका कोई लव्ड वन वहाँ पे रहता है. मे बी दिस कैन बी आल्सो रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर आपका कोई रिलेटिव फैमिली मेम्बर, या आप खुद. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट रिसेंटली आपका कोई डिफेंस में था, या फिर समवन वॉज एट नेशनल ड्यूटी. आई एम हियरिंग नेशनल ड्यूटी, जो मे बी जिनका डेथ हुआ है रिसेंटली. एंड डोंट वरी, ये ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट डेथ हुआ है. एंड इस कारण से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, या आप बहुत रो रहे हो. एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रेन वाइब्स, बारिश हो रहा है, या तो आप रो रहे हो, कोई यहाँ पे बहुत ही दुखी हो. स्पिरिट इज सेइंग यू नीड टू मूव ऑन, लाइफ अभी भी बाकी है, यू हैव टू गेट अप, आप हार नहीं मान सकते. वाओ, दैट वाज डीप. ओके, या यू नीड टू गेट अप, लाइफ में अभी बहुत कुछ बाकी है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे द टावर एनर्जी नज़र आ रहा है, द टावर, आई एम हियरिंग द टावर. सो लेसन्स मे बी, आई एम सीइंग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस. या आई एम हियरिंग बिट्रे. किसी ने यहाँ पे किसी को बिट्रे किया है, आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ ऐसा किया है जो आपको रिसेंटली पता चला है. या अगर आपको डाउट है कि कोई कुछ कर रहा है आपके पीठ पीछे, आपको पता चल जाएगा. दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो. आपको पता चल जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी. ओके, वाओ. सो एनीवेज, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय टॉरस. थैंक यू सो मच. आई नो इस रीडिंग में ये काफ़ी इंटेंस रीडिंग था, आई डोंट नो व्हाई. यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस थे, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लेना. आई नो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस थे. Anyways, thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा हो, then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.